थ जी गुरु जी अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश तंत्र पे हम लोगों ने अभी तक तीन बार बातें की हैं। पहली थी तंत्र में जिससे कि आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे किसी का वशीकरण कर सकते थे दूसरी थी काम वासना की देवी और तीसरा गुप्त धन निकालने की विद्या ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आ... विद्याएं हैं मतलब मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण जो छठ आते हैं उससे थोड़ा हटकर था और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी तंत्र था आज जिस यक्षिणी की हम बात करने वाले हैं वो भीषणी है जैसे देखिए मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि यक्षिणियों को भगवती मतलब देवियों के बाद का प्रारूप या स्वरूप माना जाता है और ये काफी पूजनीय होती हैं लेकिन साथ में इनका एक अपना स्वभाव होता है और उसी स्वभाव के हिसाब से आपको इनको रखना पड़ता है ठीक है तो आज इस यक्षिणी की हम बात करें वो भीष्णी है भीषणी का स्वभाव बहुत हद तक उग्र है काली की तरह बहुत उग्र है लेकिन भीषणी की सा का साधना बहुत ही जरूरी है तांत्रिकों के लिए मैं बताता हूं क्यों देखो हर एक व्यक्ति जो तंत्र प्रयोग करता है वो सन्यासी नहीं होता है ऐसी ऐसा नहीं है कि उसको उसकी अपनी ज़रूरतें नहीं होती हैं या वो मटेरियल लाइफ से कट जाता है जनरली लोग जब पूरी दुनिया से थक हर जाते हैं तो उनको फ्री का बाबा चाहिए होता है मैं कल भी किसी को समझा रहा था वो भी साधक थे उनका कुछ काम था तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी को पाँच सौ रुपये दिया किसी को हज़ार रुपये दिया अपना काम करवाने के लिए तो मैंने उन्हें एक चीज़ समझाया कि देखो तो जो तंत्र में जो वस्तु प्रयोग होता है तो कोई अगर बोल दे कि आपके नाम का हवन में हज़ार रुपये में कर दूंगा तो वो झूठ बोलता है ठीक है वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में लगने वाली सामग्रियाँ काफ़ी महंगी आती हैं ठीक है एक एक चीज़ एक एक ग्राम जो होता है वो दस हज़ार ग्यारह ग्यारह हज़ार का आता है तो आपका अगर कोई छठ कर्म कोई कर रहा है और वो बोल दे कि मैं एकदम सस्ते में कर दूंगा तो ये बात मिथ्या है और बात आती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबाओं को या फिर जो तांत्रिक हैं उनको आपका काम फ्री में करना चाहिए तो आ, ऐसी कहानियाँ पहले आती थी जब लोगों के पास वाक सिद्धि होती थी वह पूर्ण रूप से सन्यासी होते थे भगवान उनके मुंह पे वास करते थे आप जब तांत्रिक के पास जाते हैं तो उनका एक अपना मटेरियल सेटअप होता है वो समय लगाता है उस साधना के लिए ठीक है और समय लगाने के बाद जो सामग्री लगती है मैं एक जनरल बात अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भीषणी जो है भीषणी का बड़ा इफेक्ट होता है तो आपके मटेरियल लाइफ पे। तो एक अगर आप कोई भी पूजा पाठ करने जैसे भीषणी की आप साधना अगर आप करोगे तो आपको इसमें कम से कम तीन से चार हज़ार की वस्तुएँ खुद लगेंगी जब आपको लगेंगी, तो आपको लगेंगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये तो सही बोल रहा था ठीक है दूसरा किसी के समय का भी एक वैल्यू होता है ठीक है तो आपके भी समय का वैल्यू होगा जब आप ये करोगे <coughs> तो मैं आपको बता रहा था भीषणी भीषणी प्रेत योनि की यक्षिणी होती है और बहुत ही देखने में जब आप प्रत्यक्ष देखोगे तो भागना मत ठीक है भीषणी अगर आपकी सिद्ध हो गई तो आपके पास बहुत सारा सुपर पावर आ जाता है क्योंकि ये प्रेत योनि की है तो बहुत सारे कर्म करने के लिए आपको दूसरी किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़े दूसरी किसी आ, किसी भी एंटिटी को आपको सिद्ध करने का ज़रूरत नहीं है सिर्फ भीषणी यक्षिणी को आप सिद्ध कर लें ठीक है भीषणी यक्षिणी इसके अलावा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है आपका आपका सुरक्षा कवच हमेशा बनकर रहती है ठीक है और देखो आप अगर तांत्रिक हैं या फिर आप किसी पे तंत्र कर रहे हैं आप पे काला जादू हो रहा है तो आप पे निरंतर अटैक्स होते रहते हैं तो इन सब अटैक्स से बचने का सबसे आसान तरीका है एक तो भैरव साधना ठीक है भैरव को सिद्ध के बिना गलती से भी मत सोचना कि तुम किसी भी यक्षिणी को सिद्ध कर लोगे ठीक है गुरु मंत्र पहला चरण होता है दूसरा चरण होता है भैरव साधना तीसरा चरण में आपको जो एक शक्ति अपने पास रखनी है रख लो तो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि भीषणी रख लो अगर आपको ज़रूरत है किसी बहुत ही ऐसी एक एंटिटी की जो आपको सब कुछ दे दे मतलब पावर भी दे पैसा भी दे और साथ में प्रोटेक्शन भी दे ठीक है तो भीषणी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि और शक्तियाँ आपका आध्यात्मिक पावर बढ़ाती हैं लेकिन भीषणी जो है ये आपका आपको धन धन्य से भी परिपूर्ण करती हैं ठीक है थीके? तो भीषणी साधना का जो मंत्र है वो है ओम एम द्रीम महामदे भीषणी स्वाहा मैंने इसका बीज नहीं बताया है क्योंकि इसका बीज बहुत ही आ, बहुत ही सीक्रेट है और इसका बीज ऐसे नहीं बताना है अगर आपको भीषणी साधना करनी होगी तो मुझे आप कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल करो मैं इसका बीज आपको बताऊंगा बीज पब्लिक में नहीं बताया जा सकता है भीषणी साधना का अच्छा तो इस साधना को करना कैसे है इस साधना को करना ऐसा है कि आपको 11 दिन तक या 21 दिन आप पे है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो ग्यारह इक्कीस दिन आपको इसका साधना किसी शांत जगह पर बैठ के करना है ठीक है शुरुआत आप शुक्रवार के दिन से करोगे नौ बजे के बाद से और आपका दिशा रहेगा वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट बैठ के आप इसका जाप करोगे ठीक है साधना में कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे भीषणी साधना का एक यंत्र होता है वो आपको रखना पड़ेगा यक्षिणी माला से ही इसका जाप होगा इसका सिद्ध आसन होगा अगर वो आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दिलवा दूंगा यक्षिणी का श्रृंगार आपको देना होगा जब यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी एक सूत्र देना होगा चिरमी के दाने आपको चाहिए होंगे मतलब चिरमी के दाने के माले और एक का आपको चाहिए होगी इसके अलावा जब आपने 11 या 21 दिन अपने शक्ति अनुसार इसकी साधना कर ली इसके प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपको ऐसे जगह पर जाना होगा जहाँ पर तीन दिशाएं आके मिलती तीन सड़क आके मिलते हो इस जगह पर जा करके ये जो पूजा सामग्री यहाँ रख के आप पूजा करेंगे और उसके बाद आपको ये भीषणी दस हज़ार जाप के बाद प्रत्यक्ष होगी जब ये प्रत्यक्ष होगी तो इसको आप माँ स्वरूप में बोलना कि आप मेरे साथ रहो और आप मुझे स्वास्थ्य स्वास्थ्य दो आप मुझे सुरक्षा दो आप मुझे अच्छा मेटेरियल लाइफ दो आप मुझे सुपर नेचुरल पावर दो और आप हमेशा आओ जब मैं आपको बुलाऊं। इसके अलावा कुछ भी और मत मांगना वरना फँस जाओगे ठीक है तो इसमें जो यंत्र लगता है यंत्र माला या जो भी अगर आप लोगों के पास उपलब्ध ना हो तो मुझे आप फ़ोन करना मैं आप लोगों के लिए ये उपलब्ध करा दूंगा लेकिन इसको उपलब्ध इतनी आसानी से होता नहीं है दस से पंद्रह दिन का समय लगता है ठीक है तो मंत्र है ओम एम द्रीम महामदे भीषणी बीज में बी बीज मंत्र है और फिर स्वाहा है इसको आप सिद्ध कर लो इसके बाद कोई भी शक्ति रखने की आपको जरूरत नहीं है आपका सारा काम ये अकेली शक्ति कर देगी ठीक है दस हज़ार जाप जैसे ही आप तीन सड़क के बीच में बैठ के करोगे ये प्रत्यक्ष आपको हो जाएगी माँ के स्वरूप में इनको मांग लेना ठीक है तो आज के लिए इतना ही बीज मैंने नहीं बताया इस बार क्योंकि इसका बीज थोड़ा गुप्त है अगर आपको कहीं मिल भी जाता है तो आप एक बार मुझसे जरूर पूछ लें कि क्या यही बीज है क्योंकि अगर इसका बीज आपने गलत किया तो बहुत नाश होता है ठीक आज के लिए इतना ही अगली बार मैं फिर यक्षिणी साधना पाँचवीं यक्षिणी के साधना आप लोगों को बताऊँगा ठीक है अच्छा मैं तो आपको पूरा बत्तीसों यक्षणी की साधना बता रहा हूँ लेकिन आप देख लेना कि आपके लिए सबसे सही कौन साधना है क्योंकि अभी सरस्वती का भी आएगा लक्ष्मी का भी आएगा लेकिन जो तांत्रिक हैं और जो चाहते हैं कि उनकी शक्तियाँ भी बढ़ें और उनके पास पैसा धन भी रहे तो उनके लिए भीषणी साधना ही सबसे अच्छी साधना है इसके अलावा आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है भैरव साधना मैंने पहले ही बता दिया है गुरु मंत्र चाहिए तो एक बार फ़ोन करना मुझे मैं आपको उसका भी उपाय बताऊँगा ठीक है और उसके बाद आप भीषणी साधना कर लो और मस्त होकर के जो भी क्रिया करनी है आपको करो आज के लिए इतना ही अगर आपको भूत प्रेतों के बारे में पढ़ना है कैसे उनसे बात करें तो मेरा बुक है हैंडबुक हैंड बुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एमजॉन या आप फ्लिपकार्ट खरीद सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करिए इसमें आप रुद्रनाथ सर्च कीजिए आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आज जैसे ये बीज मंत्र आपको चाहिए तो ये बीच मंत्र मैं आपको दूंगा आप इस पर फ़ोन करके मुझसे ये बीच मंत्र ले सकते हैं व्हाट्सअप नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा वरना ब्लॉक वॉक कर दूंगा फॉन्स करने से आज के लिए आप सबको अला खा दे